Hello everyone, welcome back to the new video of Manzil. So I am Tamanna and today I have come up with two very interesting problems of boats and streams. So let's begin with our first question. Our first question is, a boat took 8 hours less to travel a distance downstream than to travel the same distance upstream. If the speed of a boat in still water is 9 km per hour and speed of stream is 3 km per hour, find the total distance traveled by a boat. देखो जनरली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बना के, बट आज हम इन क्वेश्चन को किस अप्रोच से करेंगे, रेशियो अप्रोच. सो टुडे वी विल यूज रेशियो अप्रोच टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड रेशियो अप्रोच इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में दिया गया हुआ है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वॉटर इज 9 किलोमीटर पर आवर. हम स्पीड ऑफ बोट को डिनोट किससे करते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम चैप्टर में, B से. तो B की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे, 9 किलोमीटर पर आवर. और क्या दिया हुआ आपको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर. यानी कि W की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 3 किलोमीटर पर आवर. हम स्पीड ऑफ बोट को B से डिनोट करते हैं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं. उसके बाद क्या दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन में, हमें टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है किसमें, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम टाइम में. पर हमारे पास तो अभी बी और डब्ल्यू की वैल्यू है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में चेंज करना पड़ेगा इसको. तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, बी प्लस डब्ल्यू करके. बी और डब्ल्यू दोनों को एड करके हमें क्या मिल जाता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड. और अगर मैं बी में से डब्ल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाती है, अपस्ट्रीम स्पीड. क्लियर है? तो डाउनस्ट्रीम स्पीड यहां पे लिखेंगे हम और अपस्ट्रीम स्पीड यहां पे लिखेंगे. जब मैं बी प्लस डब्ल्यू को ऐड करूंगी तो 9 प्लस 3 क्या बन गया, ये 12 किलोमीटर पर आवर. और जब मैं 9 माइनस 3 करूंगी तो ये क्या बन गया, 6 किलोमीटर पर आवर. ये आ गया हमारा डाउनस्ट्रीम स्पीड और ये क्या आ गई, अपस्ट्रीम स्पीड. अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरी 12 और 6 आया ना, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दूंगी कट करके. जब मैं 6 और 12 को आपस में कट करूंगी तो रेशियो कितनी बन जाएगी, 2:1. ये किसकी रेशियो बन गई, आपकी स्पीड की रेशियो. क्लियर है? ये हमारी स्पीड की रेशियो बन गई. डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, 2 units, एंड अपस्ट्रीम स्पीड कितनी बन गई, 1 unit. अब इसके बाद देखो आपके पास जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है वो किस रिगार्डिंग दिया हुआ है, डाउनस्ट्रीम टाइम के रिगार्डिंग और अपस्ट्रीम टाइम के रिगार्डिंग. बट हमारे पास रेशियो किसकी आई है, स्पीड की आई है. इट मीन्स जब तक मेरे पास टाइम की रेशियो नहीं होगी मैं फर्स्ट लाइन को कैसे यूज कर सकती हूँ, तो फर्स्ट लाइन को यूज करने के लिए मुझे स्पीड की रेशियो को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम की रेशियो में. क्वेश्चन में हमें दे रखा है सेम डिस्टेंस, ठीक है, क्वेश्चन में सेम डिस्टेंस दे रखा है. और सेम डिस्टेंस के केस में हम सब जानते हैं कि व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है. इट मींस अगर स्पीड की रेशियो 2:1 है तो टाइम की रेशियो क्या आएगी, 1:2. क्यों 1:2 होगी, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, दैट इज सेम डिस्टेंस. चलो अब हमने टाइम की रेशियो निकाल ली, अब हम फर्स्ट लाइन यूज कर सकते हैं जिसमें ये कहा गया है कि 8 घंटे कम लगते हैं उसे डाउनस्ट्रीम टाइम में अपस्ट्रीम टाइम से. ठीक है, 8 घंटे कम लगते हैं, यानी कि हमें अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, 8 आवर्स दे रखा है. 2 और 1 unit में कितना फर्क है, 1 unit का, 2 minus 1 is 1 unit. और ये 1 unit की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 8 घंटे, दैट इज 8 आवर्स. यानी कि 1 unit की वैल्यू आ गई 8 आवर्स. 2 unit की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 unit की वैल्यू 8 आवर्स है तो 2 unit की वैल्यू कितनी हो गई, 16 आवर्स. तो इसके बाद आपको निकालना क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस. डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, स्पीड इनटू टाइम. अब देखो आपको आपके पास डाउनस्ट्रीम स्पीड भी है जो कि 12 किलोमीटर पर आ रहा है, आपके पास डाउनस्ट्रीम टाइम भी है जो कि क्या आया, 8 आवर्स आया है. तो स्पीड की वैल्यू 12 आ गई, टाइम की वैल्यू 8 आवर्स आ गई. तो 12 × 8, आपका 12 × 8 करके कितना आ गया हमारे पास, 96 किलोमीटर. यानी कि जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा था तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 96 किलोमीटर. और क्वेश्चन में दे रखा है कि वापस भी वो उतना ही डिस्टेंस आया, दैट इज सेम डिस्टेंस. इसका मतलब वो वापस भी कितना आया होगा, 96 किलोमीटर. ये आ गया हमारा डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस. और अपस्ट्रीम डिस्टेंस भी कितना होगा, अगर जा 96 रहा है आएगा भी 96 किलोमीटर. तो 96 प्लस 96, आपका टोटल डिस्टेंस कितना बन गया, 192 किलोमीटर. मतलब जितना डिस्टेंस गया था उतना ही डिस्टेंस वापस आ गया. सो योर बट फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट, बोट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 192 किलोमीटर.
क्लियर है। देखो हमने बी और डब्ल्यू को यूज करके डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकाला, वहां से मैंने रेशियो फाइंड कर ली, रेशियो के अप्रोच से मेरे पास टाइम भी आ गया एंड देन मैंने सीधा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा दिया। देखो देखने में ऐसा लग रहा है ना बहुत लंबा क्वेश्चन चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको एक एक चीज क्लियर कट समझाई है इसलिए आपको इतना लंबा लग रहा है, बट जब आपने जस्ट दो रेशियोज बनानी होगी और सीधा आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी तो आपको जस्ट 30 सेकंड्स लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, रैदर कि आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करोगे। क्लियर है। सो अब हम यही ऐसा ही रेशियो अप्रोच से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, अ मैन रोज 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इफ द रिवर इज रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स हिम 45 मिनट्स टू रो अ प्लेस एंड बैक, हाउ फार इज द प्लेस। यहाँ पे भी हमें क्या पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया। चलो और क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, अ मैन रोज 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मैन की स्टिल वाटर में स्पीड दी हुई है, इट मीन किसकी वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 6 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद रिवर इज रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, इट मीन हमें डब्ल्यू का रेट दिया हुआ है, दैट इज वाटर का रेट दिया हुआ है जो कि क्या दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमारा काम क्या है निकालना, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड रेशियो अपस्ट्रीम स्पीड, यहां पे मैं क्या लिखूंगी, इनकी स्पीड्स लिखूंगी। डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकलती है, बी प्लस डब्ल्यू, दैट इज 6 प्लस 3 इज 9 किलोमीटर पर आवर, और अगर मुझे अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है वो कैसे निकलती है, 6 माइनस 3, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आपके पास डाउनस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू भी आ गई, अपस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू भी आ गई। ध्यान से सुनो, आप पहले ही ये ऐसे नहीं करना कि आपने बी और डब्ल्यू की वैल्यू लिखी और उसको पहले ही कट कर दिया, अगर आप उसको ऊपर ही कट कर दोगे तो आपके पास डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड की एक्चुअल वैल्यू कैसे आएगी, वो तो फिर रेशियो आ जाएगी। ठीक है, हमें एंड में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की एक्चुअल वैल्यूज चाहिए होती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कट नहीं करती, मैं इसको कहाँ पे कट करती हूँ, जब मैं इसको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यूज आ गई कि डाउनस्ट्रीम स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। अब मैं इसको जब रेशियो में कन्वर्ट करूंगी, रेशियो क्या बन जाएगी, 3:1, यानी कि स्पीड की रेशियो हमारे पास कितनी आ गई, 3:1। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइम, तो टाइम में कन्वर्ट करने के लिए मैं वही कंसेप्ट लगाऊंगी। देखो पर्सन जितना गया है, जितनी जर्नी उसने जाते हुए कवर किया, उतना ही वो वापिस आते हुए कवर कर रहा है, इट मीन्स डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, व्हेन डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो यानी कि अगर स्पीड की वैल्यू 3:1 है तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1:3 हो जाएगी। उन्होंने आपको टोटल टाइम दिया हुआ है कि वो पर्सन 45 मिनट्स लेता है पूरा डिस्टेंस कवर करने में, जाने में भी और आने में भी। हमें कितना टाइम लग रहा है, 1 + 3 = 4 यूनिट्स इन टोटल लग रही है हमें, 4 यूनिट्स लग रही है ना, और 4 यूनिट्स की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 45 मिनट्स। तो क्या हम क्वेश्चन को मिनट्स में सॉल्व करेंगे, नहीं, हमारा क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में है तो मैं मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लूंगी, यानी कि जब मैं इसे आवर्स में चेंज करूंगी तो किससे डिवाइड कर दूंगी, 60 से डिवाइड करके कितने घंटे आ गए, 3/4 आवर, 15 × 3 = 45 and 15 × 4 = 60, कट करके 3/4 आवर्स आ गया, 4 यूनिट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4 आवर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3/16 आवर्स, ये 4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो कितना बन गया, 3/16 आवर्स। अब देखो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 3/16 आवर्स, हमने फाइंड क्या करना है कि डिस्टेंस कितना है। उन्होंने आपसे टोटल डिस्टेंस नहीं पूछा, मतलब उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि वो कितना डिस्टेंस गया और कितना डिस्टेंस वापस आया, नहीं, उन्होंने आपसे पूछा है कि इसमें और इसमें डिस्टेंस कितना है, मतलब आपने सिर्फ वन टाइम डिस्टेंस निकाला है कि इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक जाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड की वैल्यू कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना आया है 3/16 आवर्स, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ गया, 9 × 3, दैट इज 27/16 किलोमीटर्स, सो योर आंसर विल बी 27/16 किलोमीटर्स। क्लियर है, 27/16 किलोमीटर्स। सो होप सो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम किन क्वेश्चंस में रेशियो अप्रोच लगा सकते हैं और अपने क्वेश्चन को और भी इजी बना सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस, थैंक यू सो मच।